रैप्सोडी ऑफ रियालिटीज। आज थर्सडे 14 अक्टूबर 2021, आज गुरुवार 14 अक्टूबर 2021, रैप्सोडी ऑफ रियालिटीज में पास्टर क्रिस ओयाकिलोम द्वारा। आज गुरुवार है, थर्सडे 14 अक्टूबर 2021। आज पास्टर क्रिस ओयाकिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, फर्स्ट कोरिंथियंस 6:19, पहले कुरंथियों की पत्री 6:19। फर्स्ट कोरिंथियंस 6:19, पहले कुरंथियों की पत्री 6:19। हम इन वचन के आधार से जो आज विषय प्राप्त किए हैं वो है लिव इन हेल्थ, सेहत में जिए। लिव इन हेल्थ, सेहत में जिए। हम इस वचन को पास्टर क्रिस ओयाकिलोम जो सिखा रहे हम सीखेंगे। वचन ऐसा है, फर्स्ट कोरिंथियन 6:19, व्हाट नो ये नॉट दैट योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली गोस्ट विच इज इन यू विच ये हैव ऑफ गॉड एंड ये आर नॉट योर ओन। और एक बार पढ़ेंगे, फर्स्ट कोरिंथियन 6:19, व्हाट नो ये नॉट दैट योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली गोस्ट विच इज इन यू विच ये हैव ऑफ गॉड एंड ये आर नॉट योर ओन। हम इसी वचन को हिंदी भी एसआई बाइबल में से पढ़ेंगे, पहले कुरंथियों की पत्री 6:9। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग, पहले कुरंथियों की पत्री 6:19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। और एक बार पढ़ेंगे, पहले कुरंथियों की पत्री 6:19, पहले कुरंथियों की पत्री 6:19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। Christ in you is your assurance of divine health. मसीह आपके अंदर होना ये आपके ईश्वरीय सेहत का प्रमाण है, निश्चितता है। No Christian ought to be sick because the Lord Jesus consummated the plan of divine health. कोई मसीह अब बीमार नहीं रहना है, इसका कारण ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो ईश्वरीय सेहत है वो संपन्न करके दे दी है, जो हमको पूर्ण रूप पूर्ण तैयार करके पूरा तरीके से उसका काम पूरी तरह से ख़त्म करके हमको दे दिया है। ईश्वरीय सेहत की योजना प्रभु यीशु मसीह ने पूरा उसका काम जो है पूर्ण रूप से ख़त्म करके वो योजना हमारे जीवन में उसने दे दिया है। द बाइबल सेज ही ब्रॉट लाइफ एंड इमॉर्टैलिटी टू लाइट, 2 Timothy 1:10, दैट मीन्स ओनली लाइफ वर्क्स इन यू, द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ इज एट वर्क इन यू। और पवित्र बाइबल 2 Timothy की पत्री 1:19 में ऐसी बताती है कि यीशु मसीह ने जीवन और अविनाशी जीवन उजियाले में लाया है, जो जिसका मतलब बनता है केवल जीवन ही अब काम करता हुआ रहेगा आपके अंदर। और ये एक नियम है जो आत्मा का जीवन काम करना आपके जीवन में, ये एक प्रकार की व्यवस्था है।
हम पढ़ेंगे दूसरे तिमोथी 1:10। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, ये बात है, मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया है। ये पवित्र वचन हमको बता रहा है, पवित्र बाइबल हमको बताता है कि उसने जीवन और अमरता लाया है, प्रकाशमान कर दिया है, प्रकाश में लेकर आया है। और एक बार पढ़ेंगे दूसरे तिमोथियोस की पत्री 1:10। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। Take charge of your health and rule over your body with the word of God. अब अपने सेहत के ऊपर अपना अधिकार ले लीजिए और उस शरीर जो आपका है उसके ऊपर अब आप प्रभुता करना शुरू कीजिए परमेश्वर के वचन के साथ। If you notice any problem in any part of your body, declare in the name of Jesus, I cut off this anomaly from my body. जब भी अब आप ध्यान लेंगे इस प्रकार से कि कोई समस्याएं कोई भाग में आपके शरीर के अंदर उपज रही है, तो फिर आप घोषणा कर दीजिए, यीशु नाम में मैं इस प्रकार की अवस्था जो बन रही है मेरे शरीर के अंदर, वो कोई भी अवस्था क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी की अवस्था हो, मेरे शरीर में से मैं उसे काट कर अलग कर देता हूँ। ऐसी कोई भी अवस्था जो चंगाई के विरोध हो जाती है, जो चंगाई के अवस्थाओं को मेरे अंदर रुकने नहीं देती है, मेरे शरीर के अंदर जो अवैध रीति से मेरे जीवन में मेरे शरीर में आई हुई है, तो मैं उसे काट देता हूँ यीशु नाम में। मे बी इट्स माइग्रेन हेडेक्स एंड इट हैज अफेक्टेड योर एकेडेमिक्स और योर जॉब। पुट योर हैंड्स ऑन योर हेड एंड से हेड In the name of Jesus, I command you to be healed. हो सकता है कोई प्रकार का जो गंभीर सर दर्द होता है, जिसे माइग्रेन के नाम से जाना जाता है, ऐसा कुछ हो सकता है, या और वो भारी तरह से आपके जो अभ्यास करने का समय रहता है या फिर आपके काम करने का समय रहता है, वहाँ पर वो भारी प्रकार की अपनी प्रभाव को असर को दिखा रहा है। और आपने फिर क्या करना है, अपने हाथ को अपने सिर के ऊपर रखना है आपने और बोलना है, सिर यीशु के नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, अभी चंगा हो जा। Don't excuse sickness. Don't let it hinder you from making an impact in your world with the gospel. आप बीमारियों को ऐसे ही माफ मत कर दीजिए, रहने मत दीजिए। वो आपको जो आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, आपको रोक रहा है, जो सुसमाचार के साथ आप जगत के अंदर होना चाहिए, उस प्रभाव को पूरी तरह से आपके जीवन में से वो रोक रहा है, तो उसे ऐसे ही रहने मत दीजिए और कोई बहाने बनाकर उसे बनाए मत रखिए और वो आपको रोक कर रखने ना पाए। You don't need that heart trouble. You have been suffering with. It's time to wake up to who you are. जो प्रभाव आपने देना है जगत के अंदर, आपके जगत के अंदर सुसमाचार के साथ,
वो प्रभाव देने में आपको बाधाएं डालते हैं बीमारियां। तो कोई बहाने बनाकर बीमारियों को अपने अंदर रुकने मत दीजिए कि वो आपके जो प्रभाव है जगत के अंदर होना चाहिए सुसमाचार के साथ, उसके बीच वो बाधाएं डाले, ऐसी अवस्थाएं बनी रहने मत दीजिए। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके हृदय की कोई भी तकलीफें आप सहन करते रहे, जो अभी आप सह रहे हो उसका अब अंत हो जाना निश्चित कर देना है। अब आपका ये समय है, जाग जाइए कि आप कौन हो इस विषय में आप जाग जाइए। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट एंड से हार्ट बिकम नॉर्मल इन द नेम ऑफ जीसस। अपने हाथ को अपने हृदय के ऊपर रखिए और कहिए, हृदय मैं तुझे यीशु नाम में बोलता हूँ, बिल्कुल जो साधारण अवस्थाएं होती है उसमें हो जा, एंड इट विल बी सो। और फिर वैसा ही हो जाता है जैसा आपने हृदय को बोला होगा। रिफ्यूज टू यील्ड योर बॉडी टू सिकनेस। आप अपने शरीर में बीमारी रखते हुए उसके अधीन जाने से इनकार कर दीजिए। डिवाइन हेल्थ इज योर राइट इन क्राइस्ट, इट्स गॉड्स विल फॉर यू। ईश्वरीय सेहत ये आपका अधिकार है मसीह यीशु में, और यह परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन के लिए। He said in 3 John 1 chapter 2 verse, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. तीसरे यूहन्ना की पत्री उसके एक अध्याय के 3 वचन में इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा है, तीसरे यूहन्ना की पत्री उसके एक अध्याय के 2 वचन में, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा हो। और एक बार पढ़ेंगे तीसरे यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय का 2 वचन, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। द वर्ड ऑफ गॉड इज मेडिसिन टू योर बॉडी, प्रोवर्ब्स 4:22। और परमेश्वर का जो वचन है वह हमारे लिए औषधि है, ये हम नीति वचन के 4:22 वचन में इसको हम पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे नीति वचन के 4:22 वचन में पढ़ेंगे, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे नीति वचन 4:22 वचन, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। चूज टू बी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, चुनाव कीजिए कि आप सेहतमंद रहेंगे और बलवान रहेंगे। लिव बाय गॉड्स वर्ड एंड रिफ्यूज टू ऑब्जर्व लाइंग वैनिटीज। और आप परमेश्वर के वचन के साथ जिए, वचन के द्वारा जिए, और आप बिल्कुल जो आप देखते हैं उस प्रकार के झूठी व्यर्थ बातों को आप इनकार कर दीजिए। प्रेज गॉड, प्रशंसा हो परमेश्वर की।